सिंगरौली में एपीएमडीसी कंपनी और विस्थापितों के प्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने विस्थापन नीति के तहत सभी विस्थापितों को लाभ देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने विस्थापितों की समस्या का जल्द निवारण करने के निर्देश भी दिए हैं। कलेक्टर अरुण कुमार परमार, देवसर विधायक सुभाष रामचरित वर्मा, सांसद प्रतिनिधि राजकुमार दुबे की मौजूदगी में एपीएमडीसी कंपनी और विस्थापितों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित हुई। कलेक्टर अरुण कुमार परमार ने एपीएमडीसी के अधिकारियों को कहा कि विस्थापन नीति के तहत जो भी सुविधाएं विस्थापितों के लिए निर्धारित की गई हैं, उसका लाभ विस्थापित परिवारों को दिया जाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने विस्थापितों की समस्याओं का जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं। साथ ही कंपनी को विस्थापित परिवारों के बच्चों के लिए संचालित विद्यालय में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता, छात्रवृत्ति दिए जाने का निर्देश दिया है। जो ये काफी ये पहले से चल रहा था और पहले बैठकी भी हुई थी, उसमें जो गैप था, लेकुना था, जिसे जहाँ जहाँ कुछ बिंदु पे काम नहीं हो रहे थे, तो उसमें लिखा निर्देश यही दिए कि उसको प्राथमिकता से पूरा किया जाए और जो नीति के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं उनको लागू किया जाए, और वो लागू कर रहे हैं, जो गैप है उसको गैप फिलिंग करना बेसिकली इसका उद्देश्य वही था। नहीं तो वो कंपनी के लोग भी उपस्थित थे तो बात हुआ था, तो जो भी जहाँ समस्याएं हैं तो बातचीत करके उसमें एक कुछ निर्धारण किया गया कि इस समय तक वो ये काम कर देंगे, तो उसमें बातचीत करके निर्धारित किया गया और उम्मीद है कि उस पर वो सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी। रोजगार के लिए हमने कहा विस्थापितों को सही अच्छा पेमेंट, अच्छा जो दर रेट चल सके, उस भाव से हमने इस विषय पर हम सब विस्थापित परिवारों की बात रखी है। कलेक्टर साहब भी नए आए हैं अभी विचार को, उन्होंने कहा कि हम जल्द उसको करेंगे। स्थानीय में जनप्रतिनिधि हूँ, स्थानीय जनता ने मुझे बनाया है, पार्टी सरकार के साथ विचार विमर्श करके हम निर्णय जरूर अच्छा आएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।